Good afternoon, dear students. This is Sanju Singh, Assistant Professor, Department of Entomology. This is the second practical video lecture on insect pest of sugarcane and mange. Second practical में हम sugarcane और mange के जो damaging symptoms हैं उसका management practices उनके ऊपर आज हम discuss करेंगे. ठीक है. सुगरकेन में जो आपके मेजर पेस्ट हैं सभी बता देता हूँ, तो रिवाइज करा देता हूँ. सुगरकेन के जो सभी पेस्ट हैं जो हम थ्योरी में भी हमने डिस्कस करे हैं. ठीक है. सुगरकेन फर्स्ट है तीनों ही बोरर, जिसके इंटर नोड बोरर, कर्ली सूट बोरर और टॉप सूट बोरर, तीनों ही इम्पोर्टेंट पेस्ट है, बोरर पेस्ट है. ठीक है. नेक्स्ट है सुगरकेन लीफ ऑपर, सुगरकेन व्हाइट फ्लाई एंड सुगरकेन मिलीबग. ठीक है. ये क्या है, सभी सुगरकेन के पेस्ट हैं. ये सभी सुगरकेन के पेस्ट हैं. ठीक है. और जो आपकी मेज क्रॉप है, मेज में मेज एफिड और मेज स्टेम बोरर, जो आपका मेज स्टेम बोरर है, इट इज द मेजर पेस्ट ऑफ मेज क्रॉप. ठीक है. ये काफी ज्यादा फीड करता है मेज में, मेज स्टेम बोरर. ठीक है. आपका सुगर केन में भी इंसेक्ट, सुगर केन में भी इसका जो स्टेम बोरर है वो भी फीड करता है. ठीक है. लेकिन जो ये आपका मेज का मेज स्टेम बोरर है, जिसको पैलो पार्टरिस कहते हैं, वो मेजर पेस्ट है मेज का ही. ठीक है. तो सबसे पहले हम सुगर केन के इंसेक्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं. फर्स्ट है इंटरनोड बोरर. क्या है, फर्स्ट इंटरनोड बोरर. ये जो आपका इंटरनोड बोरर काइलो सैक्रिफेगस इंडिकस, साइंटिफिक नेम ऑफ दिस पेस्ट काइलो सैक्रिफेगस इंडिकस, फैमिली कैरामिडी, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा. इट इज लेपिडोप्टेरा पेस्ट. जो आपके तीनों ही बोरर हैं वो ऑर्डर लेपिडोप्टेरा में आते हैं. ठीक है. तीनों ही बोरर के हैं ऑर्डर लेपिडोप्टेरा में आते हैं. डैमेजिंग सिम्टम्स क्या है इसके, किस तरीके से ये पेस्ट फील्ड कंडीशन में डैमेज करता है. इट मैनली क्या ये इंटरनोड्स को डैमेज करता है. इंटरनोड्स, इसलिए इसका नाम भी इंटरनोड बोरर है. इंटरनोड कॉन्स्ट्रक्टेड एंड शॉर्ट एंड, जिसके सुगरकेन के इंटरनोड्स होते हैं वो क्या पूरी तरह से शॉर्ट हो जाते हैं, उनमें फुली डेवलपमेंट नहीं होता है. और ये क्या करता है, इट कास्ट बोर होल्स इनसाइड द स्टेम. ये तने, जो तने वाला भाग रहता है उसमें क्या बोर्स करता है, होल्स बनाने लग जाता है. ठीक है. और ये उसके जो नोडल्स रीजन है उसी के ऊपर ये क्या एक्सक्रीटर वेस्ट मटेरियल जो रहता है वो सीक्रेट करता है. ठीक है. इंटरनोड्स के ऊपर ये इंटरनोड बोरर अपना वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीटर उसी के ऊपर ये सीक्रेट करता है. और जो इंटरनल टिश्यू रहता है सुगरकेन का, जो उसका इंटरनोड के अंदर जो स्टेम रीजन के अंदर, वो पूरी तरीके से क्या रेड हो जाता है. ठीक है. ये बोरर अंदर से उसको पूरी तरह से क्या, जो उसका टिश्यू रहता है इंटरनल टिश्यू, उसको पूरी तरह से रेडिश कर देता है. ठीक है. पूरी तरह से वो अंदर से डैमेज कर देता है और जो इंटरनल टिश्यू वो क्या रेडिश शो होने लग जाता है. ठीक है. यंग लार्वी आल्सो बोर इनसाइड द स्पिंडल रीजन. ठीक है. इसके यंग लार्वी इट आल्सो बोर द स्पिंडल रीजन और टॉप मोस्ट फॉर्मेटिव इंटरनोड्स. ये देखिए, ये जो इंटरनल टिश्यू है सुगर केन के स्टेम का, ये किस तरीके से रेडिश पड़ जाता है. और ये जो इसका कैटरपिलर है लार्वी, पूरी तरह से इसको इंटरनल टिश्यू को इसको पूरी तरह से डैमेज कर देता है, अफेक्टेड करता है. ठीक है. यहाँ पर भी ये देखिए, इसने इंटरनोड्स को किस तरीके से डैमेज किया है. ठीक है. ये इसका जो तने वाला भाग है, ठीक है, ये पूरी तरह से खोखला सा हो जाता है. ठीक है. ये कैटरपिलर का डैमेज है. ठीक है. ये किसमें, इंटरनोड बोरर में. दिस इज द लार्वा ऑफ इंटरनोड बोरर. ठीक है. इसका जो लार्वा रहता है इसके ऊपर क्या ब्लैक स्पॉट्स से प्रेजेंट रहते हैं लार्वा, जो क्या है इसके, इसकी जो अपर एपिडर्मिस रहती है वो व्हाइटिश कलर की दिखती है. अपर एपिडर्मिस कैसी, इसकी व्हाइटिश कलर की दिखती है और इसपे व्हाइटिश कलर की लाइनिंग प्रेजेंट रहती है. और क्या, इसमें ब्लैक से
स्पॉट्स पर जन्म लेते हैं, ये क्या है, लार्वा ऑफ इंटरनोड बोरर। दिस इज द एडल्ट ऑफ इंटरनोड बोरर, जो इसके बोरस के फॉर्मिंग्स रहते हैं इंटरनोड बोरर के, वो फुली स्ट्रॉ कलर रहते हैं, ब्राउनिश कलर के, ठीक है। और जो लोअर विंग्स वो क्या, ट्रांसपेरेंट रहते हैं, ठीक है। ये फोर विंग्स कैसे इसके स्ट्रॉ कलर के, और लोअर विंग्स कैसे इसके, किस तरीके से दिखते हैं लोअर विंग्स, ट्रांसपेरेंट लाइट व्हाइटिश कलर के, ठीक है। तो ये क्या है, इंटरनोड बोरर, एडल्ट ऑफ इंटरनोड बोरर, ठीक है। ये क्या है, सुगर केन का मेजर पेस्ट है इंटरनोड बोरर। नेक्स्ट है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में हम बात करते हैं इसके, कलेक्शन ऑफ एग मासेस एंड डिस्ट्रक्शन, इसका कैसे मैनेजमेंट करेंगे, इसको जो फील्ड कंडीशन में आफ्टर हार्वेस्टिंग, उसको क्या, कलेक्शन ऑफ एग मासेस एंड इसके जो क्रॉप रेजिड्यूल होता है उसको पूरी तरह से क्या, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। उसके जो एडल्ट रहते हैं उनको भी हम कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल एनिमीज, आपका कौन सा नेचुरल एनिमीज यूज करते हैं हम, एग पैरासिटॉइड्स, एग पैरासाइट, इसमें ट्राइकोग्रामा ऑस्ट्रेलिका, ट्राइकोग्रामा ऑस्ट्रेलिका, ये क्या है, एग पैरासाइट है जो कि हम फील्ड में रिलीज करते हैं इसके एग्स को, और ये क्रॉप्स के लिए बेनिफिशियल होता है, और ये इंसेक्ट के ऊपर फीड करता है। लगभग 50,000 पैरासाइट्स हम पर हेक्टेयर पर वीक रिलीज कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एज ए बायोलॉजिकल कंट्रोल रोल प्ले करता है, एज ए बायोलॉजिकल कंट्रोल हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है एक्सेसिव यूज ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर, फील्ड के अंदर हम एक्सेसिव यूज ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर का भी अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है कार्बोफ्यूरोन, क्या, केमिकल इंसेक्टिसाइड्स कार्बोफ्यूरोन, जो आपका 3G ग्रेन्यूल्स, उसको भी हम सॉइल में अप्लाई करते हैं। कितनी डोजेस, 30 kg पर हेक्टेयर, डोज ऑफ इंसेक्टिसाइड 30 kg पर हेक्टेयर हम इस फील्ड में अप्लाई करते हैं, कार्बोफ्यूरोन 3G। तो इन सभी से जो इसके हमने नेचुरल एनिमीज, एक्सेसिव यूज ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर, और ये इंसेक्टिसाइड कार्बोफ्यूरोन, इनके द्वारा हम क्या, इसका इंटरनोड बोरर का हम मैनेजमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका टॉप शूट बोरर, टॉप शूट बोरर ये वेरी इंपॉर्टेंट पेस्ट है शुगर केन का, सेपोफेगा एस्पेक्ट्रेलिस फैमिली पैरेलली, इट इज लेप्रोक्टन पेस्ट, जो आपका हरियाणा पंजाब रीजन है वहां पर इसका काफी ज्यादा इंसिडेंस हमें देखने को मिलता है, ठीक है। मेजर पेस्ट है ये शुगर केन का टॉप शूट बोरर। ये डैमेज किस तरीके से करता है, इट इज ऑल्सो कॉज डेडर्स सिम्टम्स, ठीक है। ये भी पेस्ट क्या है, डेडर्स जो आपके जो स्टेम बोरर डेडर्स कॉज करते हैं, एक टॉप शूट बोरर भी क्या डेडर्स कॉज करता है, ठीक है। और ये क्या, जो डेडर्स होते हैं कैसे, रेडिश ब्राउनिश कलर के पैरेलल रो ऑफ शॉर्ट होल्स इन इमर्जिंग लीव्स एंड रेड टनल्स इन द मिडल ऑफ लीव्स, इट इज मेनली कास्ट बंची टॉप अपीरियंस, जो मैंने पहले भी डिस्कस करी है, बंची टॉप अपीरियंस ये ज्यादातर ये कास्ट करता है टॉप शूट बोरर, ये इसका मेजर डैमेजिंग सिम्टम्स है बंची टॉप अपीरियंस। क्या होती है बंची टॉप अपीरियंस, ये देखिए इसकी जो साइड टिलर्स होती हैं ये पूरी तरह से ड्राई होने लग जाती है, ये प्लांट क्या है ये देखिए ड्राई होने लग जाता है, ये बंची टॉप अपीरियंस है। शुगर केन इस तरीके से शो करता है अपने सिम्टम्स, ठीक है। इसके जो साइड टिलर्स होते हैं ये ड्राई से होने लग जाते हैं, और जो स्टेम रीजन भी पूरी तरह से ड्राई हो जाता है, व्हाइटिश कलर का दिखने लग जाता है, ठीक है। दिस इज द बंची टॉप अपीरियंस, और इसका जो लार्वा रहता है वो भी जो स्टेम रीजन रहता है उसके उसके ऊपर क्या स्टेम में होल्स बना देता है, लार्वा बोर इनटू द इनसाइड द स्टेम, ठीक है। और ये जो लीव्स के ऊपर क्या माइंस भी बनाता है लीव्स के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या है डैमेजिंग सिम्टम्स ऑफ टॉप शूट बोरर, ये इसकी चारों ही स्टेजेस हैं टॉप शूट बोरर की, ठीक है। एक्स कैसे, एक्स लुक लाइक लाइट व्हाइटिश कलर, ये इसके व्हाइटिश कलर के एक्स होते हैं, ठीक है, डल व्हाइटिश कलर के एक्स होते हैं, इनके ऊपर हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं, जो टॉप शूट बोरर के एक्स रहते हैं उनके ऊपर क्या हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, ये इसके एक्स है। नेक्स्ट स्टेज है लार्वल स्टेज, लेंथ ऑफ लार्वी कितनी रहती है, 25 to 30 मिलीमीटर तक इसकी लेंथ रहती है। लार्वी ऑफ द स्पेस्ट
फुली क्रीमी व्हाइट, क्रीमी व्हाइट कलर का इसका लार्वा रहता है टॉप शूट बोरर का, और अडल्ट कैसा बिल्कुल फुली मिल्की व्हाइट कलर का रहता है। अडल्ट मौत कैसी मिल्की व्हाइट कलर मौत रहती है अडल्ट, ये पूरी तरह से फुली व्हाइट है, फुली व्हाइट मौत है, ठीक है। ये अडल्ट ऑफ टॉप शूट बोरर, क्या है ये टॉप शूट बोरर। नेक्स्ट इंसेक्ट है आपका इसका मैनेजमेंट, नेक्स्ट इसका मैनेजमेंट है कैसे मैनेज करोगे, इसका भी हम कलेक्शन करते हैं फील्ड से, कलेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एग मासेस, जो इसके द्वारा एग मासेस दिए जाते हैं स्टेम रीजन पे उसके प्लांट के ऊपर, उसको हम क्या कलेक्ट करते हैं जिससे इसकी जो रिप्रोडक्शन होता है इसमें जो इसकी पॉपुलेशन है वो इंक्रीज नहीं हो पाती है, ठीक है। और क्या हम यूज ऑफ नेचुरल एनिमीज लाइक एग पैरासिटॉइड ट्राइकोग्रामा माइन्यूटम और लार्वल पैरासिटॉइड्स आइसोटीमा जेवेंसिस, इनका हम इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर इन अड़तालीस शुगर केन, अड़तालीस शुगर केन क्या होता है, जो जिस शुगर केन की सोइंग हम जून जुलाई मंथ में करते हैं उसको अड़तालीस क्रॉप कहते हैं, अड़तालीस शुगर केन क्रॉप कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यूज ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज, यूज ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज, दीज आर द डिफरेंट रेजिस्टेंट वेराइटीज, CO 724, CO 724, COJ 67, CO 1158 एंड CO 1111, ये डिफरेंट रेजिस्टेंट वेराइटीज है अगेंस्ट टॉप शूट बोरर, ठीक है। तो नेक्स्ट इंसेक्ट है हमारा लीफ हॉपर, लीफ हॉपर इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट मेजर पेस्ट ऑफ सुगरकेन, लीफ हॉपर सुगरकेन पारिला, जिसको हम क्या कहते हैं सुगरकेन पारिला, साइंटिफिक नेम ऑफ दिस पेस्ट सुगरकेन पारिला परपुसिना, क्या है इसका साइंटिफिक नेम पारिला परपुसिना। फैमिली क्या है इसकी लोफोफिडी ऑर्डर हेमिप्टेरा, इट इज हेमिप्टेरन पेस्ट है, इट इज सकिंग पेस्ट, ठीक है। तो क्या इसकी डैमेजिंग स्टेज क्या होगी, डैमेजिंग सिम्टम्स, डैमेजिंग स्टेंस बोथ निम्स एंड एडल्ट, बोथ द स्टेज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डैमेज। मेनली ये क्या करता है, किस तरीके से डैमेज करेगा, ये सकिंग द सेल सैप फ्रॉम द लीफ रीजन, ठीक है। इट कैन कॉज सीवियर डैमेज व्हेन लॉन्ग स्पेल्स ऑफ रेनी और क्लाउडी डेज, ठीक है, जो आपका बरसात का सीजन रहता है, ठीक है, ठीक है, मंथ ऑफ जुलाई अगस्त इस सीजन में इसका इंसिडेंस हमें काफी ज्यादा रहता है, ये जो जुलाई और अगस्त है ये जो मंथ ये इसके लिए फेवरेबल रहते हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस जो रहती हैं बरसात के सीजन पे वो इसके पॉपुलेशन के लिए और इसके इंसिडेंस के लिए काफी ज्यादा फेवरेबल होती है, ठीक है। और क्या ये किस तरीके से डैमेज करता है, लीव्स कैसी येलोइश होने लग जाती है और इट ऑल्सो डेवलप सूटी मॉल्ड, सूटी मॉल्ड, सूटी मॉल्ड ये क्या सूटी मॉल्ड्स के फॉर्मेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। सूटी मॉल्ड क्या होता है, सूटी मॉल्ड जो सकिंग पेस्ट है आपके एफिड्स मिलीबग्स लीफ हॉपर्स, ये क्या जो हनी ब्यू एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है, लीव्स के ऊपर, और जिससे क्या उसके ऊपर ब्लैक पाउडर सा डेवलप हो जाता है, दैट इज नोन एज सूटी मॉल्ड, जो ठीक है सूटी मॉल्ड कहते हैं हम जिसको, ठीक है। और क्या इसमें जो अफेक्टेड प्लांट्स रहता है वो उसमें क्या सिकली अपीयरेंसी शो होने लग जाती है, ठीक है, सिकली अपीयरेंसी शो होने लग जाती है। स्वार्म ऑफ दीज इंसेक्ट इन ऑल स्टेजेस ऑन द टेंडर फॉर लीव्स स्प्रेडिंग एंड ड्राइंग ऑफ द लीव्स, और जो लीव्स रहती है प्लांट की वो पूरी तरह से ड्राई हो जाती है, ठीक है। ये क्या है जो आपका लीफ हॉपर है सुगरकेन पारिला, इसकी जो प्लांट की एक्टिविटी रहती है वो भी काफी ज्यादा रहती है, ये इसकी जो अपीयरेंस रहती है वो जेट लाइक रहती है, ये इसका एडल्ट है, ये इसके एडल्ट है, दिस इज द सुगरकेन पारिला पारिला परपुसिना, ठीक है, सुगरकेन लीफ हॉपर है ये, सुगरकेन लीफ हॉपर एडल्ट है, एडल्ट ऑफ सुगरकेन पारिला, ठीक है। ये इसकी कैसे शेप रहती है, जेट लाइक, ठीक है, जेट लाइक शेप रहती है, ये देखिए, ठीक है, ब्राउनिश कलर का रहता है ये अडल्ट, इसके जो लोअर विंग्स रहते हैं इसके ऊपर क्या
ब्लैक स्पॉट से प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, ब्लैक स्पॉट से प्रेजेंट रहते हैं इसके लोअर विंग्स के ऊपर, ठीक है। ये देखिए ये लीव्स पे किस तरीके से ये फीड करते हैं, ठीक है, और क्या लीव से सेकिंग करते हैं सेल सेफ। ये देखिए मीडियम साइज इंसेक्ट है ये, ना ही इसका साइज ज्यादा छोटा होता है ना ही ज्यादा लार्ज साइज होता है, मीडियम साइज मॉडरेट इंसेक्ट है ये, ठीक है। तो ये क्या है, पारिला परपुसिला। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ पारिला परपुसिला। फर्स्ट है अवॉइड एक्सेसिव यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। फील्ड के अंदर हमें इसके क्या मैनेजमेंट के लिए ज्यादा हमें नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है, ज्यादा नाइट्रोजन डोज का यूज नहीं करना चाहिए फील्ड में। और क्या रिलीज ऑफ नेचुरल एनिमीज इपिरिकेनिया मेलानोइडिका, ये है क्या है लेपिडोप्टेरन प्रीडेटर है, क्या इपिरिकेनिया मेलानोइडिका, ठीक है, जो इसके एग्स रहते हैं 4 to 6 lakh एग्स हम फील्ड में रिलीज कर देते हैं जो कि इसके कंट्रोल के लिए यूज करते हैं, ठीक है, इपिरिकेनिया मेलानोइडिका, ठीक है। नेक्स्ट है और क्या इसमें ये प्रीडेटर कंजर्व प्रीडेटर ड्रूमस स्ट्रोरालिस और कॉक्सिनेला सेप्टम पंकटाटा, ड्रूमस स्ट्रोरालिस एंड कॉक्सिनेला सेप्टम पंकटाटा का भी हम इसमें यूज करते हैं इसके कंट्रोल के लिए, ठीक है। तो ये इसका मैनेजमेंट था शुगर के पारिला का। नेक्स्ट है मेज इंसेक्ट। मेज इंसेक्ट में हमने कौन कौन से इंसेक्ट बताए थे आपके थ्योरी में, स्काइलोफार्टेलिस जो आपका मेज स्टेम बोलो, मेज एफिड भी बताया था, ठीक है, ये क्या दो ही इंसेक्ट मैंने इसके जो मेजर है वो कराए थे, जिसका मेज का सबसे मेजर इंसेक्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट इंसेक्ट है स्टेम बोल काइलोफार्टेलिस, ठीक है। फैमिली का इसकी कैरामिडी ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, इट इज लेपिडोप्टेरन पेस्ट। डैमेजिंग सिम्टम्स ऑफ दिस पेस्ट इट मेनली, ये क्या है जो आपकी मेज की सोइंग की जाती है उसके लगभग 1 to 2 months की लगभग सोइंग के बाद ये ज्यादातर ये फीड करने लग जाता है स्टेम बोरर। इट इन्फेस्ट क्रॉप अ मंथ ऑफ सोइंग, ठीक है, लगभग 1 to 2 months की क्रॉप की सोइंग के बाद ये इसके कोप्स के ऊपर जो मेज के कोप्स रहते हैं उनके ऊपर ये फीड करने लग जाता है, ठीक है। और ये क्या इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग डेडर सिम्टम्स, जितने भी स्टेम बोरर रहते हैं वो डेडर सिम्टम्स काज करते हैं, ये इसका टिपिकल सिम्टम्स रहता है डेडर काजिंग। और ये क्या करते हैं बोर होल्स करते हैं नियर द स्टेम रीजन, जो तना भाग रहता है तने का स्टेम रीजन पे उस पे ये क्या होल्स भी फॉर्म करता है, होल्स भी बनाता है, ठीक है। यंग लार्वी क्रॉल्स एंड फील द टेंडर फोल्डेड लीव्स एंड कास शॉर्ट होल सिम्टम्स, जो इसका लार्वा रहता है वो लीव्स के ऊपर, ठीक है, लीव्स के ऊपर भी क्या होल्स बनाता है, लीव्स के ऊपर होल्स कर देता है, जो कि क्या टिपिकल सिम्टम्स है। यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से ये लीव्स के ऊपर इसने होल्स किए हैं, ठीक है, ये लीव्स के ऊपर किसने इसने होल्स किए हैं, ठीक है। काइलोफार्टेलिस की काइलोफार्टेलिस का डैमेज है और ये कोप्स के ऊपर इसने किस तरीके से इसके जो लार्वा ये इट इज द लार्वा, ये लार्वा ने किस तरीके से इसके कोप्स को पूरी तरह से अफेक्टेड किया है, ठीक है। ये मेज के फील्ड में हमें इसका इंसिडेंस काफी ज्यादा देखने को मिलता है इस टाइम हो रहा था, ठीक है, ये कोप्स को और लीव्स को दोनों को ही पूरी तरह से ये अफेक्ट करता है, ठीक है। ये दिस इज द एडल्ट ऑफ मेज स्टेम बोरर, इट इज लाइटेस्ट येलोइश कलर मॉथ एंड अपर इसकी जो अपर एपिडर्मिस रहती है, अपर स्किन रहती है, इसके ऊपर क्या ब्लैक स्पॉट से प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, ये ब्लैक स्पॉट से प्रेजेंट रहते हैं, इट इज येलोइश मॉथ, ठीक है, इट इज येलोइश मॉथ, ये क्या है स्टेम बोरर काइलोफार्टेलिस, ठीक है। दिस इज द लार्वा ऑफ स्टेम बोरर, ठीक है, हेड ऑफ इसका जो हेड रहता है ब्राउनिश कलर का हेड रहता है लार्वा का और ब्लैक स्पॉट से प्रेजेंट रहते हैं ऑन द अपर स्किन। ये देखिए ये भी लाइटिश येलोइश कलर का लार्वा है, ठीक है, ये क्या है लार्वा ऑफ येलो स्टेम बोरर। अब नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ स्टेम बोरर, किस तरीके से हम स्टेम बोरर को मैनेज करेंगे फील्ड के अंदर।
सबसे पहला तो हम यूज ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज अगेंस्ट स्टेम बोरर लाइक हिम 121, गंगापुर 59, गंगापुर 57, ठीक है, गंगा सफेद 2, डेकन 101, ठीक है, एंड 103, हिम 123, दीज आर द डिफरेंट रेजिस्टेंट वेराइटीज अगेंस्ट स्टेम बोरर। ठीक है, और क्या जो कॉपी है उसके साथ हम इसकी इंटरक्रॉपिंग भी करते हैं, ठीक है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिनिमाइजिंग द इंसिडेंस ऑफ स्टेम बोरर, जो कि स्टेम बोरर के जो इंसिडेंस रहता है उसको भी कम करता है। ठीक है, और यूज ऑफ लाइट ट्रैप, लाइट ट्रैप का भी हम इसमें यूज करते हैं, लाइट ट्रैप का, ठीक है, जो इसके मॉनिटरिंग के लिए काफी हेल्पफुल रहता है और इसके कलेक्शन के लिए हम लाइट ट्रैप का यूज कर सकते हैं। ठीक है, लाइट ट्रैप एज ए मैकेनिकल कंट्रोल रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स लाइक पोरेटेंजी, पोरेटेंजी का हम इसमें स्प्रे करते हैं, पोरेटेंजी, ठीक है, 8 kg पोरेटेंजी का हम इसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये इसका मैनेजमेंट है। ठीक है, ये स्टेम बोरर का मैनेजमेंट है। ठीक है, ये क्या आपका सेकेंड वीडियो लेक्चर था, सेकेंड प्रैक्टिकल वीडियो लेक्चर, ठीक है, पहला मैं इसका अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो मैं दोनों ही सेक्शन के लिए बना रहा हूँ, आपके सेक्शन वो ए और बी दोनों ही बच्चों को प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो इसमें ना तो हिंदी वाले बच्चों को प्रॉब्लम आएगी ना ही इंग्लिश वालों में, क्योंकि मैं दोनों ही लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो मैं और बनाऊंगा, अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ये इसका सेकंड प्रैक्टिकल था, इसके ऊपर सुगरकेन और मेज इंसेक्ट्स के ऊपर, ठीक है, जिसमें हम डैमेजिंग सिम्टम्स और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेस्ट, पेस्ट को जो मैं आपको इसमें जो जो इंसेक्ट है उनको मैं दिखाता जा रहा हूँ, ये किस तरीके से इसका आइडेंटिफिकेशन है और उसका मैनेजमेंट है। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।